ख्वाब आंखों में बरबस आते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में तब्दील करने में जिंदगी गुजर जाती है। ख्वाब वही पूरे कर पाते हैं जिनमें जीने का जज्बा हो और जीत की जिद भी। टेक ऑफ में आज हमारी किरदार हैं मुस्कान किरार। नाम ही कुछ ऐसा है कि चेहरे पर बिखर जाए तो दुनिया रोशन हो जाए। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर जबलपुर संस्कार धानी भी है। यहाँ का संगमरमरीय सौंदर्य आंखों में रच बस जाता है। इसी जबलपुर का एक कस्बाई मोहल्ला है हनुमानताल, जहाँ मुस्कान रहती है। साधारण से परिवार की इस छोटी सी लड़की ने बड़ा काम किया है। बैंकॉक में आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 में सिर्फ 17 साल की मुस्कान ने भारत के लिए गोल्ड जीता। अगले साल यानी कि 2019 में उसने यही कारनामा फिर कर दोहराया। मुस्कान के आगे अभी खुला आसमान है, न जाने कितने ही गोल्ड मेडल उसे जीतने हैं। जिस शिद्दत और जुनून के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, वो यकीन दिलाता है कि मुस्कान संभावनाओं के अनंत आकाश पर टेक ऑफ के लिए सीट बेल्ट बांध चुकी है। किसी एक एथलीट के लिए विदेशी जमीन पर देश का झंडा जब इतरा कर लहराता है, यकीन मानिए चंद सेकंड्स का वो लम्हा मन मस्तिष्क में आखिरी सांस तक बस कर रह जाता है। फिर मुस्कान ने तो ये एहसास सिर्फ 17 साल की उम्र में हासिल किया। जाहिर है कि इस लम्हे को बार बार जीना ही अब उसकी ख्वाहिश है। एशिया कप में गोल्ड जीती थी तो मैं पहले से कॉन्फिडेंस थी अपनी प्रैक्टिस पे कि हाँ, मैं इतनी तैयारी करके गई हूँ तो मैं मेडल ऑफ कोर्स जीतूंगी। और जब मैं गोल्ड जीती और जब मैं पोडियम में खड़ी हुई और जब मुझे गोल्ड मेडल पहनाया जाता गया था तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। जब हमारा नेशनल एंथम बन रहा था पूरे बाहर के देश में और सारे अलग अलग देश वाले लोग थे, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अपनी कंट्री को मेडल जिताया। अर्जुन का तीर अगर मछली की आंख पर लगता है तो मुस्कान का निशाना बुल्स आई पर लगता है। ये महारत ऐसे ही हासिल नहीं होती, इसके लिए तपस्या और त्याग की जरूरत होती है। जबलपुर के सेंट एलोशियस कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मुस्कान को ट्रेनिंग के लिए अक्सर बाहर रहना पड़ता है। जाहिर है पढ़ाई पर कुछ तो असर पड़ेगा ही। हाँ, वैसे तो मुश्किल है, ऑफकोर्स मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर मैं बाहर ही रही हूँ। जैसे मैंने जब 17 से मेरा गेम जब अप होना स्टार्ट हुआ तो मैं कैंप में ही रही हूँ। पूरा पूरा साल कैंप में निकल जाता था 18-19। तो जैसे मेरा 12th के एग्ज़ाम्स थे वो स्पेशल कंडक्ट कराए थे गवर्नमेंट ने, तो मैं दे नहीं पाई थी। तो स्पेशल कंडक्ट कराए थे गवर्नमेंट, तो मैंने उसको दिया था। तो थोड़ा मुश्किल है आर्चरी और पढ़ाई को मैनेज करना। पूरी दुनिया के आर्चर्स में सरे फहरिस्त होना सुकून तो बहुत देता है, पर उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है। एक अच्छा कोच न सिर्फ आपको ट्रेन करता है, बल्कि कई बार आपको निराशा के दलदल में जाने से बचाता भी है। एक गलती को मन में बसाना और ज्यादा गलतियों को न्योता देना है। जब एक प्लेयर या कोई भी एज आर्चर जब एक बार कॉम्पिटिशन में मतलब बहुत अच्छा करता हुआ हारता है तो उसे उसका मॉरल डाउन हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करता है या रोना स्टार्ट कर देते हैं। अमूमन देखा है आर्चर जाके अपना इक्विपमेंट पटक देंगे तो उसे उस समय बहुत समझाना पड़ता है। मतलब ये मानिए आपको एक एक दो दो घंटे भी उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि ऐसा बेटा कोई बात नहीं है, आपका ये टूर्नामेंट था, आप अच्छा करते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक टूर्नामेंट से आपका खराब में गिनती है, आपने इन चीज़ों से सीखना है। ये गलती हुई थी या इस समय आपका वो अचानक मोमेंट में एरो निकल गया है, तो वो चीज़ों को भूल के हमें आगे के जो कॉम्पिटिशन्स इतने खेलने हैं उनके लिए हमें प्रेपरेशन करना है। और अगर हम उस एक एरो की, क्योंकि एक पॉइंट की गलती से हम हारते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस बड़ा रहेगा, तो उस एक पॉइंट को अगर हम वहीं ना छोड़ के गलती को
हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमसे गलती हुई है, तो उसे छोड़ के वहीं पे आगे के कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है। बहुत कम समय में मुस्कान ने ये सफर तय किया है। कोच ब्रजपाल सिंह सलारिया मानते हैं कि किसी बात को समझने और उसे इम्प्लीमेंट करने की मुस्कान में अद्भुत क्षमता है, और इसीलिए महज 2 साल की तपस्या के बाद थाईलैंड में मुस्कान ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। बाकी आर्चर्स से अलग उसका मतलब जो कैचिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है शुरू से ही। जैसे आपने देखा होगा कि वो 2016 में जस्ट अगस्त सितंबर के आसपास स्टार्ट की है और मार्च अप्रैल तक वो सब जूनियर चैंपियन बनी विद इन ईयर। तो उसको जो चीज़ बताई गई उसी ने उसी चीज़ पे फोकस किया। जैसे शूटिंग टेक्निक को मेन अगर मैं कहूँ तो वही उसका आगे चल के वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा और उसी को उसने हमेशा अपने साथ लेके चली, और ये नतीजा है कि उसने एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में मेडल्स जीते। ये तपस्या किसी अकेले की नहीं होती, पूरा कारवां साथ होता है। परिवार का हर कोई जागते सोते उन्हीं सपनों को हकीकत में साकार करने में लगा रहता है। शुरू में कस्बाई शहरों की मान्यताएं कुछ परेशान करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब न सिर्फ परिवार बल्कि समाज पूरी तरह से खुश है। बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देते हमारी समाज में, फिर भी हमने इतना सपोर्ट दिया कि उसको आगे बढ़ाया, बाहर भेजा, इंटरनेशनल के लिए भेजा। आज मेरी समाज मुस्कान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो करती। पहले आने जाने बहुत मतलब उनका रोक टोक रहा, मेरी समाज बहुत वो करती रही। अब तो बहुत साथ देते हैं सब लोग, मतलब बहुत तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, सब कुछ है सब। माँ चाहती है कि मुस्कान खाना बनाना भी सीखे, लेकिन उसको तो सिर्फ तीर चलाना आता है। हाँ, थोड़ा बहुत काम वो किचन का भी कर ही लेती है। खाना बनाती है मुस्कान? नहीं। आपने सिखाया नहीं या वो सीखना नहीं चाहते? वो सीखना भी नहीं चाहती, उसको शौक नहीं है पढ़ने का, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है कुछ करने के लिए। हर दिन 7-8 घंटे का नियमित अभ्यास धीरे धीरे मुस्कान को अपनी विधा में पारंगत करता जा रहा है। ऐसे में हर किसी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ शिखर का सपना है। मैं चाहती हूँ मुस्कान ओलंपिक जाए खेलने। मैं तो यही चाहता हूँ कि तीरंदाजी में मतलब मुस्कान बहुत आगे बढ़े, और अभी तो कर रही है और इसका सपना है कि मैं बहुत आगे जाऊं। तो हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार और उनके जो कोच हैं ऋषपाल सर जी, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है। हमारा अब भी मेन मोटो है कि हम आने वाले जो एशियन गेम्स होंगे या कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें पदक जीतें, खास करके इंडिविजुअल स्पर्धाओं में हम स्वर्ण पदक जीतें, और 2021 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जूनियर और सीनियर, और उसमें हमारे जो एकेडमी के आर्चर्स हैं वो चैंपियन बने। मेरा आर्चरी में ये ड्रीम है कि मैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनूं, और आगे जाके जितने भी बड़े टूर्स है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मैं इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतूँ एंड वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर बनूँ। मुस्कान की कामयाबी में उसे चाहने वाले हर शख्स की दुआओं का असर है। हम भी दुआ करें कि एक दिन उसका निशाना हर भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरेगा। आमीन। सितारों की रोशनी से तो सारा जहां चकाचौंध है, हम तो उन्हें तलाशते हैं जो खुद अपनी रोशनी से आने वाले कल को रोशन करेंगे। हर हफ्ते स्पोर्ट्स जिंदगी में हम देश की ऐसी ही उभरती संभावना से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। connect@sportsjindagi.com पर।